युवा मतदाता और दिव्यांगजनों को सुगम मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग द्वारा अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिवनी जिले से देखते हैं एक और रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन में सिवनी जिले में शत प्रतिशत निर्भीक एवं निष्पक्ष और नैतिक मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से सिवनी में मतदाता जागरूकता लेकर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में तहत सिवनी नगर में नए मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र और युवा मतदाता शामिल हुए। रैली के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने लोगों को मताधिकार के कर्तव्य के प्रति जागरूक किया और 28 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। यह रैली सिवनी के मिशन स्कूल से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस मिशन स्कूल में ही संपन्न हुई। रैली में जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी गोपाल चंद्र डांड और जिला पंचायत के सीईओ स्वरोचित सोमवंशी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार उनका प्रयास जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराना है। आयोग नए मतदाताओं को, खासकर युवा मतदाताओं को, वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। नए मतदाताओं के साथ साथ दिव्यांग मतदाताओं को भी जागरूक करने के लिए आयोग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे लोकतंत्र के इस महामुकाबले में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। मतदाता जागरूकता रैली में शामिल हुए दिव्यांग मतदाता बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं पहली बार मतदान का अधिकार हासिल करने वाले युवाओं में भी वोट डालने को लेकर उत्साह दिखा। सभी से यही निवेदन करूंगी कि सब लोग अपना मतदान भी अपने अपने साथियों और भाई बहनों से कहकर सभी का वोट दिलवाएं, और मेरा यही जानना और यही मेरा कहना है। मतलब 18 साल के बाद होते हैं तो हमारा वोट देना सबसे मुख्य पॉइंट होता है, और वोट सोच समझ के देना चाहिए, किसको देना चाहिए, मतलब हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जिससे हम आगे बढ़ सके, शिक्षा में सुधार कर सके। वोट है हमको सोच समझ कर देना है, हमको वोट देना चाहिए और कारण हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहा हूँ और मैं आम जनता से यही मतलब यही अपील करूंगा कि हर इंसान वोट देने जाए, सबसे पहले वोट दे, क्योंकि हमारा लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और जब तक हम वोट नहीं देंगे हमारी लोकतंत्र मजबूत नहीं पाएगी। इस साल पहली बार वोट देने जाऊंगी और मैं चाहूंगी मतदाताओं को बोलना चाहूंगी कि करके ज्यादा से ज्यादा आके वोट दे, लोकतंत्र को मजबूत बनाए वोट देकर, यही मेरी अपील है सभी लोगों से। सभी से विनती है कि सब लोग मतदान ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोग मजबूत हो। बस यही कहना चाहते हैं। बहुत उत्साह है कि इस बार हम पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं और हम तो अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपने साथियों से भी अपील करेंगे कि आप बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लें। आपकी सुविधा और आपकी सहायता के लिए दिव्यांग मित्र मौजूद हैं, किसी प्रकार से भी भय खाने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर मतदान केंद्र जाएं और अपना बहुमूल्य मत का उपयोग जरूर करें। हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटी चला रहे हैं, मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं कि वो शत प्रतिशत मतदान करें। इस बार हमारा फोकस और हमारा पूरा ताकत लगा देंगे हम कि शत प्रतिशत मतदान की ओर सिवनी अग्रसर हो। पिछली बार 80% मतदान किया था, हम अब इस परसेंट को बढ़ाकर 100% ले जाना चाह रहे हैं। इसमें यूथ पर और जो 18 साल से 19 साल का यूथ तो है ही, बट 19 साल से लेकर 30 साल का जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यूथ, उसको मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि उनका मतदान प्रतिशत सदैव कम रहा है।